इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 27वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आबू धाबी के मैदान पर खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने शानदार जीत दर्ज की। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से इस मुकाबले में हरा दिया। इसी के साथ ही अंक तालिका में मुंबई की टीम फिर से नंबर 1 हो गई है। मुंबई की ये 7 मैचों में 5वीं जीत है। इस मैच में दिल्ली कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। शिखर धवन के शानदार अर्धशतक के दम पर टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। ऐसे में मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव के शानदार अर्धशतकों के दम पर 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 166 रन बनाकर मैच 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, मुंबई के लिए ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 36 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के जमाए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी 32 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का जमाया। दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम ओवरों में कुछ वापसी करने की कोशिश की थी, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया और 19.4 ओवर में 166 रन बनाकर मैच जीत लिया। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखर धवन ने 52 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली थी और उन्हीं की पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स 162 तक पहुंच पाया था। आपको बता दें, पॉइंट्स टेबल में अब मुंबई की टीम 7 मैचों में 5 जीत और 2 हार के साथ कुल 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर चली गई है। आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स के भी 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर मुंबई इंडियंस